Hey, I'm Aditi Rao Haidri. Welcome to MTV Webbed. So, एक time था when people used to send each other letters to be in touch. That was when I was in school, जब Facebook और Twitter didn't even exist. But अब हम एक दूसरे से आसानी से connect कर सकते हैं. And that's totally wonderful. किस तरह टेक्नोलॉजी ने दूरियां इतनी कम कर दी हैं एंड थैंक्स टू द इंटरनेट डिस्टेंस बस एक वर्ड बन के रह गया है. इनफैक्ट इंटरनेट कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज लेके आया है जिसके बारे में हमने पहले कभी सोचा ही नहीं था. सो विद वन क्लिक यू कैन फाइंड समवन टू हेल्प यू विद योर फोन, कोई जो आपके ग्रोसरीज डिलीवर कर सकता है, समवन टू इवन रेकमेंड रेस्टोरेंट, एंड यू कैन इवन फाइंड अ प्लेस टू स्टे, और वो भी एकदम फ्री में एंड हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड. बट ऑल इज नॉट इज इट सेम्ड ऑनलाइन. अब किसी इंसान को इंटरनेट के थ्रू पूरी तरह समझ लेना एकदम इम्पॉसिबल है. एंड इवन दो कभी कभी वर्चुअल कॉन्टैक्ट हेल्पफुल होते हैं, समटाइम्स थिंग्स डोंट गो राइट. तो ये कहानी है उन यंगस्टर्स की हुज लाइफ चेंज बिकॉज ऑफ वन मिस्टेक ऑन द वेब. और आज हम देखेंगे कहानी सुरभि की, a vibrant young NRI girl and her online friend Jay. Ma! कुछ नहीं मिलता इस घर में, क्या करूं? पागल हो जाऊंगी एक दिन. माँ सुनती क्यों नहीं हो यार? माँ तुम सुनती क्यों नहीं हो मेरी बात? ये है अमृता, जय की बड़ी बहन, जैसे 3 साल बड़ी और घर की हिटलर. माँ मेरा टायर कहाँ रखा है देखो ना. मैंने नहीं लिया बेटा, जाओ यहाँ वहीं कहीं पड़ा होगा. मैंने सारे घर में ढूंढे मुझे कहीं नहीं मिला, अभी देख के दो मुझे. अपने भाई से जाके पूछो ना. अगर उसने लिया ना मैं आज उसकी केयर नहीं. जे, दरवाजा खोलना. नहीं अभी चेंज कराओ. प्लीज एक मिनट, मुझे अपना टायर ढूंढना है. अरे मेरे पास कहाँ से आएगा टायर? देख ले तो एक बार प्लीज. कितने भी बाल सुखा ले दिखेगी तू भूतनी. देखे बच्चा तुम बाहर निकल, तेरी खैर नहीं मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं. देखे बच्चे. ओ आई बाबा. नमस्ते आंटी जय. रजत, जय का बचपन का यार, पड़ोसी एंड सीक्रेट कीपर. मना किया था ना यहाँ क्रिकेट नहीं खेलना. देख क्या किया तूने, देख खिड़की के कांच तोड़ दिए. मैंने नहीं आंटी, वो बबलू ने तोड़े हैं. तो पहले बताना था ना, फालतू की मार खा लिया तूने. चल पराठे खिलाती हूँ तुझे, आ जा. दे दो पराठा. क्रिकेट नहीं खेलना समझे? कैसे दीदी? दिखाई नहीं दे रहा, चल हट यहाँ से यार, देर हो रही है मुझे वैसे ही. ओ जय, जय, रजत यार. बाहर इतनी खलबली मच हुई है और तू दरवाजा बंद करके क्या कर रहा है? यार ये टी शर्ट मुझे पहननी है तो बस इसे सुखा रहा हूँ. और बाहर तेरी दीदी ने इस हेयर ड्रायर के लिए पूरा घर सर पे उठाया. जय मिश्रा, 18 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आगरा से, थोड़ा सा स्वीट और थोड़ा सा नॉटी. अबे सेम टी शर्ट तो मेरे भाई के पास भी है. हाँ तो ये कौन से मेरे बाबूजी ने खरीदी है? हाँ. तेरे भाई की है क्या? देख भाई मुझे नई टी शर्ट चाहिए थी, ये तेरे छत पे सूख रही थी तो मैंने उठा ली. अबे साले मेरे भाई की फेवरेट टी शर्ट है, उसे पता चल गया ना छोड़ेगा नहीं तुझे वो. यार तू चिल मार, एक पड़ोसी पड़ोसी की मदद नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? साले ये सब तू उस ऑनलाइन क्रश के लिए कर रहा है ना. चुप चुप चुप. अगर माँ को पता चल गया ना तो फिर सबसे पहले वो मुझे क्रश कर देगी, फिर मेरे लैपटॉप को, और फिर इंटरनेट कनेक्शन भी कट. लेकिन इतना लंबा कनेक्शन, वो भी कनाडा वाली से. तू आ, तेरे को कुछ बता दो. ये देख, सुरभि ने नई फोटोज लगाई. वाओ, शी इज टू गुड यार. और तुझे पता है मैं बहुत जल्द उससे मिलने वाला हूँ. क्या तुम लोग क्या इस कमरे में घुसे बैठे हो? इस कंप्यूटर ने इस जनरेशन को आलसी बना के रख दिया है. चलो रजत छत पे चलते. चल. क्या तू कनाडा जाने वाला साले और तूने बताया भी नहीं? अरे नहीं नहीं यार, मैं कनाडा कहाँ से जाऊँगा, वो इंडिया आ रही है. इंडिया में वो काउच हॉपिंग करेगी और अपनी सारी फेवरेट जगह वगैरह देखेगी. वो
इंडिया आ रही है ठीक है, लेकिन एक काउच शॉपिंग ये क्या होता है? ये ना फॉरेन की बहुत पॉपुलर कंसेप्ट है और इंडिया में भी बहुत चल रही है। काउच हॉपर वेबसाइट के थ्रू जब बाहर के लोग किसी देश में घूमने जाते हैं तो वहाँ के लोग उन्हें अपने घर में रहने के लिए जगह ऑफर करते हैं फ्री में। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में। हाँ, उनके होटल के पैसे जो बच जाते हैं। और सुरभि के इंडिया ट्रिप में आगरा भी शामिल है, तो आगरा का होस्ट मैं बनूंगा। अरे मम्मी के सामने तो उसका नाम तक नहीं ले सकता और उसे अपने घर पे रखेगा है? पागल है, घर में कहाँ से रखूंगा। वो मोहनपुरा वाला मामा जी का फ्लैट जो खाली है वो कब काम आएगा? और उसकी चाबी तो है मेरे पास। मामा जी 2-3 महीने के लिए वैसे भी नहीं आ रहे तो काम हो गया। चले, कॉलेज में किसी लड़की से बात तक नहीं करता तू और कनाडा तक चक्कर चला लिए। अच्छा भाभी से तो मिलवाएगा ना? ओए ज्यादा उड़ मत, फिर कभी मिलवाऊंगा। ठीक है ठीक है, घूम फिर के तुम मेरे पास ही आने वाला है। हाँ हाँ ठीक है, देख लेंगे। बात कर रहा है अब। हाय सुरभि। हाय जय। सुरभि ओबेरॉय कनाडा में रहने वाली एक 22 साल की NRI लड़की who loves adventure and making friends. Nice tea. You know red is my favorite color and it suits you. Oh really? मुझे तो पता ही नहीं था कि red तुम्हारा favorite color है। I'm sure, but I'm. हाँ, शायद मेरे दिमाग से निकल गया। My friend, मैंने बताया था ना मैं उसके साथ आ रही हूँ। और अगले दिन मैं पहुंच जाऊंगी आगरा तुम्हारे पास। ओह यस ऑफ कोर्स, आई मीन आई हैव मेड ऑल द प्लान्स, आई एम श्योर इट विल बी फन। लेकिन तुम जहाँ जहाँ भी ठहरोगी मुझे बस वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर्स भेज देना, यू नो जस्ट इन केस। ऑफ कोर्स, आई विल डू द राइट। एंड यस आई अश्योर यू कि तुम्हारी सबसे मेमोरेबल डेस्टिनेशन आगरा ही रहेगी। आई एम श्योर, बट आई एम जस्ट अ लिटिल कंसर्न्ड अबाउट नील। नील? अब ये नील कौन है? माय फ्रेंड, वो भी मेरे साथ आ रहा है ना। आई टोल्ड यू आई एम ट्रैवलिंग विद अ फ्रेंड। हां बट आई थॉट कि तुम एक लड़की के साथ आ रही हो। आई मीन आर यू श्योर इट इज सेफ टू ट्रैवल विद अ गाय? ट्रस्ट मी, आई एम टोटली सेफ विद नील, बट मैं तुम्हारी गारंटी नहीं ले सकती। Oh, you mean yes? Right. Okay, you know what? I really got a rush. Nice talking to you. And I'll see you soon. Bye. Yeah, bye-bye. Take care. Can you imagine Jay's excitement? Ek shy sa, sweet sa padaku ladka, jo ladkiyon se darta hai. Ek chatty NRI ladki ko host karne wala tha aur Agra dikhane wala tha. वो बहुत एक्साइटेड था और बहुत नर्वस और शायद उसे थोड़ा सा प्यार भी हो गया था। हाय सुरभि, मायसेल्फ जय। मायसेल्फ जय जी? नहीं, हाय सुरभि, आई एम जय, वेलकम टू आगरा। यस, हाउ वाज योर फ्लाइट? जी हाय सुरभि, you know what? Can we just go to Europe instead? Neil, Surbhi ka BFF, jiske saath wo sab share karti hai. Sometimes even their crushes. Oh come on, yeah? India's so freaking hot. It's gonna ruin my head and skin. By the way, listen. How come your parents allowed you to go to India? Well, they didn't. What? Well, aisa hai ki I haven't told them I'm going to India. What? I just said I'm going to the countryside with Neil. Oh, come on, yeah. Why do you do this to me? Oh. Now just forget it, yeah? I know why you want to go there. You want to go meet your exotic lover, right? Jay. Yes, whoever he is. No. He's cute, he's sweet, but he's 4 years younger to me. And besides, I've always wanted to go to India. No, just wait. What did you say? He's cute? Someone's interested. Oh, come on. I'm just asking, okay? सुरभि एक इंडिपेंडेंट मॉडर्न लड़की थी जो एक ऐसे माहौल में पली बड़ी थी वेयर ट्रैवलिंग वाज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, बट शी वाज स्टिल स्टेपिंग आउट ऑफ हर कंफर्ट जोन। जय तो एक्साइटेड था ही, लेकिन सुरभि, टू हैड नेवर डन समथिंग लाइक दिस। वो अपने पेरेंट्स को बिना बताए काउच हॉपिंग के थ्रू लोकल्स के साथ रहकर इंडिया का सही फ्लेवर एक्सपीरियंस करना चाहती थी।
उसको लगा कि ये वेकेशन लेके वो अपने फ्रेंड्स और पेरेंट्स को दिखा सकती है कि अब वो बच्ची नहीं रही। ये ट्रिप उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। विनय मित्तल, अ रिच 24-year-old फ्रॉम दिल्ली, सुरभि का पहला काउच हॉपिंग होस्ट। यार रजत, कैसे भी करके कल मेरी प्रॉक्सी अटेंडेंस लगवा दे यार। और हाँ, घर पे फोन मत करना, घर वालों के लिए मैं कॉलेज में हूँ। ठीक है, चल देन, बाय। बच्चू तू तो गया, तेरी तो लगने वाली है बेटा। अब तू देखियो, मैं अभी जाके मम्मी को बताती हूँ कि तू कॉलेज बंक करने वाला है कल। हाँ, और साथ में ये भी बता दे कि तू कल अपने गधे बॉयफ्रेंड कपिल से मिलने सुभाष पार्क जा रही है। तुझे कैसे पता? तूने फिर मेरा आईडी हैक किया? चोर कहीं के पासवर्ड कहाँ से मिला तुझे? एलिमेंट्री माय डियर अमृता, एलिमेंट्री। लेकिन तूने तो मम्मी से प्रॉमिस किया था ना कि तू ये फालतू काम नहीं करेगा, ये हैकिंग वैकिंग, फिर क्यों? और तूने भी तो प्रॉमिस किया था कि तू उस गधे से नहीं मिलेगी। वो गधा नहीं है। ओह सॉरी, वो टट्टू है। मैं तेरी पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। देखियो तू कि तूने मेरा आईडी हैक किया है। जा कर दे, लेकिन ये सोच लेना कि मुझे पुलिस से ज्यादा खतरा है या तुझे मम्मी से। मैं लड़के तुझे छोड़ूंगी नहीं, देख तू अभी। To drive us around the whole day. I really appreciate that. Pleasure is all mine. You know, I love meeting people. Thank you. All thanks to couch hopping. I got to meet you guys. You know, every time you meet different people, different places, different cities, different culture, it's fun. So, you were born and brought up in Canada, right? Yeah. So basically, my grandparents, they're from Punjab, and my parents, they met in Canada, and that's where they got married. What a coincidence! Even my family's from Punjab. Gurdaspur! What are you saying? मैं तुम्हें कल बंगला साहब गुरुद्वारा लेके चलूं? Before you leave for Agra, what's it? Yeah, why not? Okay. It'll be fun. But how come you stay here alone? My parents, they keep on traveling, so I'm mostly at home, taking care of the house. Awesome. India में तो सबकी शादी जल्दी हो जाती है ना? How come you're still single? By the way, that's my fiance. Getting married by the end of this year. Oh wow! She's beautiful. Congrats. Thank you so much, guys. Let me refill your glasses. Okay. Thank you. Thanks. This guy has been hitting on you real bad. Do you see that? Are you jealous? Why would I be jealous? Well, kind of cute. Oh, come on, yeah? You find each and every guy cute. Come on, I'm just trying to perhaps fix you up. I don't want you to fix me up with anyone, okay? Shut up. Fine. Thank you. Trip, guys. Cheers. Check out this. I think this calls for a picture. Yeah, picture. Great. You guys go idea. Very uncomfortable. Then. Please, carry on. Get yourself fit. All right. I want one more. Oh, God, you and your kidney. Give me a good pose. Come on, just tilt your face on the right. Give me another pose. Perfect. Take a look. Oh, it's cute. This is going to my profile right away. Check out the picture. Oh, very nice. A very photogenic, must say. Thank you.
सुरभी's trust had been brutally broken. इंटरनेट पे हार्मलेस दिखने वाला विनय आखिर कुछ और ही निकला. एंड सुरभी's ड्रीम वेकेशन टर्न्ड इनटू एवरी गर्ल्स वर्स्ट नाइटमेयर. इस सबसे अनजान सुरभी से पहली बार मिलने के इंतजार में जय एक एक पल गिन रहा था. दिल्ली से जो बोलो बस 10:30 बजे आने वाली वो आ गई. वो सुरभि से मिलने के लिए इतना एक्साइटेड था एंड शी जस्ट डिडन्ट शो अप. उसको लगा कि शायद वो उससे मिलना नहीं चाहती थी. बट समवेयर देयर वाज अ नैगिंग डाउट एंड ही डिसाइडेड टू चेक ऑन हर. हेलो मिस्टर मित्तल जी, मैं जय बोल रहा हूँ आगरा से. जी कनाडा से आपके यहाँ सुरभि आने वाली थी, वो है क्या वहाँ? जय एक्चुअली मुझको ना दिल्ली से बाहर आना पड़ गया, मेरी कुछ बिजनेस मीटिंग्स थी तो मैंने मैसेज भेजा था सुरभि को, लेफ्ट अ मैसेज. उसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई. अगर तुम्हारी बात हो तो प्लीज़ मेरी तरफ से अपोलोजाइज करना. एक्सट्रीमली सॉरी यार, बदन काम था सो आई कुडंट डू एनीथिंग. हाँ जी, थैंक्स ब्रदर, थैंक यू सो मच. हेलो मैं जय बोल रहा हूँ आगरा से. या हाय जय, क्या सुरभि आपके पास बनारस आई है? नहीं तो, इनफैक्ट मेरे पास तो उसका कोई फोन भी नहीं आया है. अच्छा, एक हिसाब से 2 दिन बाद आने वाली थी, लेकिन हुआ क्या? जी दरअसल वो आगरा आने वाली थी पर वो यहाँ पर भी नहीं आई. तो मैंने सोचा वो शायद सीधे बनारस पहुँच गई. नहीं नहीं, यहाँ तो नहीं आई है. उससे तुमने कुछ फोन नहीं किया? जी नहीं, उसका फोन भी नहीं मिला. ठीक है, मेरे पास जैसे कोई खबर आती है तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म करती हूँ.
morning, ladies. I'm extremely sorry, yaar. Look, what I've done. You know, normally a drug hamesha kaam karta hai. Tum pehli ladki ho, jise kuch nahi hua. Anna na jaane kitni ladkiyan hain. They had so much fun. Aur unhe kuch pata nahi chala. I guess you're the lucky one. I had a great time last night. I guess you also had some fun, huh? Want to have some coffee? Okay, listen. I'm going to call a few friends. And they are just coming for you. So get ready. Okay? Get ready. See you soon. Bye, Neil. सुरभि एंड नील वर ट्रैप्ड विद नो वे ऑफ एस्केपिंग। उधर जय को कहीं से भी सुरभि की कोई खबर नहीं मिल रही थी, लेकिन वो कन्विंस था कि सुरभि किसी प्रॉब्लम में फंस गई है। सो ही टुक द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप एंड वेंट टू द अथॉरिटीज। सर, बोलो क्या बात। सर, मेरी एक फ्रेंड कनाडा से पहली बार इंडिया आई है और वो आज आगरा पहुंचने वाली थी, लेकिन वो आगरा आई नहीं। मैंने उसका फ़ोन ट्राई किया, फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। क्या कहा तुमने, वो पहली बार इंडिया आ रही है? जी। तो फिर तुम्हारी फ्रेंड कैसे हुई? वो मेरी इंटरनेट फ्रेंड है सर। बट सर, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज वो इंडिया घूमने आई है, काउच हॉपिंग कर रही है। और वो तिवारी, वो बैग वाली फाइल ले। सर, मेरी फ्रेंड वो इंडिया घूमने आई है, काउच शॉपिंग करी है, मतलब यहाँ के लोकल लोगों के साथ रह रही है। और वो आज आगरा पहुँचने वाली थी सर, बट उसकी कोई न्यूज़ ही नहीं है सर। आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक वो किसी मुसीबत में। देखो, तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है सर, आप एक बार मेरी बात तो समझने की कोशिश की। अरे, हो सकता है कि वो तुमसे मिलना नहीं चाहती हो, या फिर उसने अपना प्लान बदल दिया। रही बात मोबाइल फोन की, जैसा कि तुम कह रहे हो, तो हो सकता है कि वो चार्जर भूल गई हो, इसीलिए उसका मोबाइल बंद हो। तुम एक काम करो, घर जाओ, घर जाकर आराम करो, जाओ। तिवारी, ये फाइल सर को दे दो। सुरभि का कुछ पता चला भाई? ये पुलिस तो बिना सबूत के हेल्प करेगी नहीं, मैंने खुद छानबीन की। ये जो विनय मित्तल है, जिसके यहाँ सुरभि दिल्ली में रहने वाली थी, उसने बताया कि सुरभि तो दोपहर को ही होटल शिफ्ट हो गई थी। अब तो, और ये क्या है, ये जो बिल्ली देखा है, ये बिल्ली विनय मित्तल की, और ये फोटो सुरभि की इसी बिल्ली के साथ रात को। तो मतलब विनय मित्तल झूठ बोल रहा है, लेकिन वो झूठ क्यों बोलेगा, ये तो पता लगा ना। यार तू कर क्या रहा है? विनय मित्तल का अकाउंट हैक कर रहा है? हाँ, आई एम डैम श्योर सुरभि इसी मित्तल की वजह से किसी प्रॉब्लम है। लेकिन यार तू जानता है ना, हैकिंग एक क्राइम है, तुझे जेल हो सकती है। जानता हूँ ये सब क्राइम है, लेकिन मेरे इस क्राइम से अगर किसी की लाइफ सेव हो सकती है तो मुझे नहीं लगता ये गलत है। लेकिन यार देख, लेकिन कुछ नहीं, तू बस अब मेरी बात ध्यान से सुन। ये देख, हमें यहाँ से कोई ना कोई क्लू 100% मिलेगा। जय को अब विनय मित्तल पे शक था। ही वॉज श्योर कि विनय मित्तल वॉज लाइंग, बट विदाउट प्रूफ वो किसी से मदद नहीं मांग सकता था। ही वॉन्टेड द पुलिस टू बिलीव हिम। जय डिसाइडेड टू डू व्हाट एवर इट टेक। यहाँ तो कुछ पता नहीं चल रहा। प्राइवेट मैसेज चेक कर, एक बार रिफ्रेश करके देखो।
जय के हाथ कुछ ऐसा लग गया था विच वॉज वर्स देन हिज वर्स्ट फियर, लेकिन उसको डर था कि शायद अब तक बहुत देर हो गई थी। Hey, sweetie. It's show time. My wild cat. Be really nice and warm to my friends. Okay? अनिल, तुम्हारा तो यहाँ कोई काम ही नहीं, तो चलो आई विल हेल्प यू। कम इजी 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 बॉय, कम। सर यही मेरी फ्रेंड सुरभि है सर, और सर दिल्ली में ये जिस आदमी के घर रुकी थी उसी आदमी ने उसे किडनैप कर रखा, ये फोटो देखिए सर, और ये चैट भी देखिए सर, और सर उस आदमी ने अपने दोस्तों को भी आज रात अपने घर बुला रखा। सर सुरभि को बचा लीजिए, सुरभि को बचा लीजिए प्लीज। He was not going to give up on Surbhi without a fight, and Surbhi, she was a fighter too. वो भी इतनी आसानी से गिव अप करने वालों में नहीं थी। This girl is crazy. She's just wild. तुम लोग सब पागल हो जाओगे. Trust me on that. Okay, come on. Anyway, एक सेकेंड, I'll be back, huh? There's no way out. Did you find a way out there? Did you find a way out there? Can you hear someone?
दहलाने वाला हादसा हुआ। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे दोस्त सुरभि और उसका दोस्त नील, इन दोनों को दिल्ली पुलिस ने बचा लिया है और अब वो हॉस्पिटल में है। विनय और उसके कुछ साथियों को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट भी किया है। उसके कंप्यूटर से कुछ वीडियोस मिले, उसमें जो लड़कियां थी वो सबकी सब बेहोशी की हालत में थी। सुरभि ठीक तो है ना सर? कर लेना चाहिए था जब सबसे पहली बार तुम्हारा फोन अनअवेलेबल आ रहा था। पुलिस ने तुम्हारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया और वो आज शाम की फ्लाइट से ही दिल्ली आ रहे। काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिले पुलिस को मैंने मित्तल के अगेंस्ट। उसी चीप तो उसने और भी कई लड़कियों के साथ, सभी में से कई लड़कियाँ उसके अगेंस्ट एविडेंस देने को तैयार हैं। आई एम श्योर वो बच नहीं पाए। इट्स ऑल माय फॉल्ट। जिन्हें ये बात सुन लेनी चाहिए, मुझे नहीं पता था कि काउ चॉपिंग मेरी अपनी कंट्री में मेरे लिए इतना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होगा। नहीं पता था मुझे सब मेरी गलती। प्लीज प्लीज सुरभि, तुम अपने आप को ब्लेम मत कर। नील ने मुझे बताया कि कितने स्ट्रांगली तुमने उन लोगों से फाइट बैक किया। आई एम क्वाइट श्योर कि इस सिचुएशन से तुम बहुत चल पा रहा हो। ओके, अब तुम आराम करो। जब तक तुम इंडिया में हो मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। वेन एवर यू नीड एनी हेल्प सुरभि, इफ देयर इज एनीवन कुड बी स्ट्रांग इनफ टू सर्वाइव दिस इट्स यू। जय, तुम मुझे ताजमहल दिखाओगे? Yes, of course. Sir,
गलती थी, क्या गलती थी? What was her fault? कि उसको दुनिया देखनी थी, कि वो एक खूबसूरत, फन लविंग और ट्रस्टिंग लड़की थी, कि उसने मेहमान को भगवान कहने वाले का यकीन किया? नहीं, सुरभि की कोई गलती नहीं थी। गलती सिर्फ और सिर्फ विनय मित्तल जैसे लोगों की है, जो कहीं भी हो सकते हैं, वेब पे भी। इसके लिए काउच शॉपिंग जैसे फोरम्स को ब्लेम करना भी सही नहीं है। हर साल हजारों लोगों को ऐसे फोरम से दुनिया देखने का मौका मिलता है। पर एवरीथिंग हैज टू साइड्स टू इट। जहां एक तरफ विनय मित्तल जैसे लोग हैं जो अपने घिनौने मकसद के लिए इनोसेंट स्ट्रेंजर्स का फायदा उठाते हैं, वहीं जय जैसे लोग भी हैं जो दोस्ती और इंसानियत के लिए हर हद तक लड़ सकते हैं। द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू बी केयरफुल। मेक श्योर आपके फ्रेंड्स और फैमिली को पता हो कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं। स्टे इन कॉन्स्टेंट टच विद देम और हर हाल पे अलर्ट रहे। आप अगर किसी पे भी भरोसा कर रहे हैं तो उस भरोसे को जांच लें। समटाइम्स ऑल इट टेक्स इज वन मिसप्लेस्ड ट्रस्ट टू कम्प्लीटली शैटर योर लाइफ फॉरएवर। सो थिंक बिफोर यू क्लिक और यू कुड गेट वेब्ड। आफ्टर द ब्रेक वी विल बी टॉकिंग टू साइबर एडवाइजर सनी वाघेला, जो हमें ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए कुछ टिप्स दे। वेलकम बैक टू MTV वेब्ड। विथ मी टुडे इज साइबर एडवाइजर सनी वाघेला। सनी, यू नो यू हैव सीन द सिचुएशन देयर। आई थिंक ऑल ऑफ अस लाइक टू ट्रैवल एंड बिफोर आई बिकेम एन एक्टर इवन आई हैव कॉन्टेम्प्लेटेड काउच हॉपिंग and I think a lot of people do. So how do you think, after having seen this situation, how do you think Surbhi could have better protected herself? See, in order to protect in a better way, it is not like aap sirf aur sirf couch hopping jo website hai usi profile ko, usi host ke profile ko verify kariye. But verify ka matlab ki aap uske Facebook, aap uske Twitter, aap uske Instagram, aap uske Orkut, aap uske LinkedIn profile, sabhi profile ko verify kariye, uske interest ke bare mein janiye, uske wall post dekhiye, uske wall post ko padhiye. That would actually give you better idea of what the person is. Second advice is कि अगर इस केस की बात की जाए तो इस केस के अंदर विनय मित्तल ने अपनी फियांसी के साथ एक फ़ोटो शेयर किया था, तो सुरभि बहुत ही सिंपल चीज़ कर सकती थी। वो पर्टिकुलर फ़ोटो को सीधा का सीधा गूगल इमेज वेरिफिकेशन टूल पे जाके वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकती थी। गूगल इमेज वेरिफिकेशन टूल एक ऐसा टूल गूगल ने डेवलप किया है जिसका यूज़ करके आप पता कर सकते हो कि ये फ़ोटो कितनी सारी साइट्स पे अवेलेबल है। अगर ये पर्टिकुलर फोटोग्राफ अगर गूगल में ड्रैग एंड ड्रॉप किए गए तो गूगल विल सर्च ऑन ऑल वेबसाइट्स एंड जितनी किसी भी वेबसाइट पे ये पर्टिकुलर फ़ोटो होंगे, अगर वो किसी लड़की ने कहीं ना कहीं टैग किया होगा, वो पिक्सल्स को भी मैच करेगा और वो बता देगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन कहाँ पे किसने टैग किया है। एक बार आपको उसके फ्रेंड की इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आप क्या कर सकते हो कि आप उसी पर्टिकुलर बंदे की प्रोफाइल में जाके आप उसको म्यूचुअल फ्रेंड बना सकते हो। कि अगर आपने उसको म्यूचुअल फ्रेंड बना दिया तो आई गेस यू विल गेट द राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सन इज व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन he is and what, you know, like whether to trust the person or not. So Jay was very easily able to hack into Vinay Mittal's account, which is a very scary thing, and I don't want my account hacked into, and I think nobody does. How can we protect our accounts from being hacked into? See, 90% of the users जो होते हैं वो आज के ज़माने में अपने सभी accounts जो होते हैं वो उसको interconnect करते हैं। या तो वो Yahoo use करते हैं, Gmail use करते हैं, या तो Hotmail use करते हैं। So suppose if I'm a hacker, what I simply do is I use a very simple hacking methods. Either I send you a fake email, right? You go to my website and you enter your ID password and I can hack into any one of your account. That would lead to hack to all, you know, accounts be hacked. सेकेंड थिंग मैं क्या कर सकता हूँ, आई कुड जस्ट सेंड यू वन सिंपल लिंक। ओ सेइंग दैट, ओ दिस इज़ वन ऑफ द रियली गुड फोटोग्राफ विच आई हैव क्लिक्ड इन सम ऑफ योर शो, राइट? एंड ऑर्डर टू एक्चुअली यू नो लाइक सी फोटो, यू जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू गेट ट्रैप इन टू नॉट द फोटो बट माई मालवे कम्स टू यू एंड माई मालवे विल एक्चुअली हैक योर कंप्यूटर। एक्चुअली हैकिंग इज अ क्राइम बट यू योरसेल्फ आर एन एथिकल हैकर, सो आई थिंक कैन यू एक्सप्लेन टू अस व्हाट दैट इज एंड आर यू अबव द लॉ? First of all, nobody is above the law. Ethical hacker एक ऐसा hacker होता है जिसको governing body permission देती है so that he can help police departments or he can help the organization to solve the security related issues, या तो cyber crime को अच्छी तरह से you know hacking का use करके वो solve कर सकता है। So Sunny, thank you for all this very useful information. I am slightly freaking out over what I've been doing on the computer all this while, so I'm gonna
totally go and have a look at stuff and I think protect myself, and I'm sure everybody else will too. Thank you so much. So guys, tune in next week for another story of a youngster who was webbed.